ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। 30 अप्रैल बड़ी शनि अमावस्या, बड़ा सूर्य ग्रहण। इस दिन सात राशियां बेहद ही भाग्यशाली और लकी रहने वाली हैं। ग्रहण कहां पर रहेगा, किस समय शुरू होगा, साथ ही गर्भवती महिलाओं को किस बात का ध्यान रखना है, यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। सूर्य ग्रहण पर विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको विशेष नुकसान होता है और कुछ राशि ऐसी होती हैं जिनको विशेष लाभ पहुंचता है। सूर्य ग्रहण पर विशेष रूप से पूजा पाठ का महत्व होता है और साथ ही गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी होती है। सूर्य ग्रहण का जो सबसे ज्यादा असर होता है वो बच्चों पर होता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखनी है और साथ ही पेट पर एक चीज लगा लेनी। देखो, 30 अप्रैल का जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा इसका जो प्रभाव है वह भारत के अंदर बहुत कम है, यानी भारत के अंदर एक प्रकार से समझ लीजिए आप ही नहीं, क्योंकि जिस समय सूर्य ग्रहण होगा उस समय भारत के अंदर रात हो गई, रात रहेगी, यानी रात के 12 बजे यह ग्रहण प्रारंभ होगा और सुबह के 4:07 तक यह ग्रहण चलेगा। ग्रहण काल में जब ग्रहण चल रहा हो तो उस समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। जो गर्भवती महिलाएं वो ना सोती हैं, ना अग्नि जलाती हैं, ना ही कपड़े धोती हैं, तो रात के समय ना तो आप अग्नि जला पाओ क्योंकि समय ही ऐसा होगा, उस समय अग्नि की जरूरत नहीं है, और सोना तो आपको होगा ही होगा क्योंकि रात भर कौन जगेगा। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि आपको गर्भवती महिलाओं को बाजार से कुछ चीज ला करके पेट पर लगानी है। इस दिन अमावस्या होती है तो पितरों की पूजा का विशेष महत्व है, पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। पितृ पूजन से हर प्रकार की परेशानी दूर होती है, पितृ दोष दूर होता है और साथ ही पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला करके आपको कच्चा सूंठ जो है 7 बार लपेटना चाहिए। अमावस्या के दिन ऐसा करने से शरीर के ऊपर कोई परेशानी है, कोई रोग है या मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है तो वह कार्य जरूर पूरे होते हैं। इस दिन भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। शनिचरी अमावस्या है तो शनिदेव की पूजा का भी विशेष महत्व है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, ये राशियां बेहद ही लाभकारी लाभांतक रहेंगी, इनको विशेष लाभ मिलेगा। लेकिन मेष राशि और कन्या राशि वालों को विशेष सावधानी भी रखनी होगी, तुला राशि वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इस दिन आपको पूजा वाली दुकान से गेरू लेकर के आना है और आपको पेट पर थोड़ा सा गेरू लगा करके सो जाना है। रात में एक ग्रहण रहेगा, भारत के अंदर प्रभाव नहीं है, लेकिन महिलाएं, गर्भवती महिलाएं गेरू जरूर लगा लें जिससे कोई परेशानी नहीं आएगी।